वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी गुरुजी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रस का सरलतम रूप, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रस की परिभाषा। परिभाषा देखिए, सबसे पहले काव्य के आस्वादन के समय पाठक दर्शक को प्राप्त होने वाली आनंदात्मक अनुभूति को रस कहते हैं। अब यहाँ आस्वादन किसे कहते हैं, जिसमें अपने को पढ़ने में क्या आता है, मजा आता है, यानी रस की अनुभूति होती है अपने को। उसमें हम क्या करते हैं, उस काव्य को अपन पढ़ते हैं और उसमें ही लगन हो जाते हैं, यानी मजा आना चाहिए पढ़ने में, इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने में। उसको क्या कहते हैं, आस्वादन, यानी एक स्वाद आना चाहिए, यानी आस्वादन होना चाहिए उसका। काव्य के आस्वादन के समय पाठक जो पढ़ने वाला जो है वो दर्शक को प्राप्त होने वाली आनंदात्मक अनुभूति क्या कहलाती है, वो ये रस कहलाती है ना। ये इसकी परिभाषा होती है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले अपन देखते हैं भरत मुनि ने एक सूत्र दिया था, क्या दिया था, तत्तर विभावानुभाव व्यविचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। क्या, कौन सा सूत्र दिया था संस्कृत में, तत्तर विभाव अनुभाव व्यविचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। यानी ये भरत मुनि का एक उन्होंने क्या दिया था, सूत्र दिया था। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या दिया था, ये दिया था तत्तर विभावा अनुभाव व्यभिचार, यानी तत्तर विभाव अनुभाव और व्यभिचार इनके संयोग से रसों की उत्पत्ति होती है। किसने कहा था, भरत मुनि ने कहा था, ठीक है। ये अपन ने दो चीज पढ़ ली, एक तो पढ़ ली अपन ने परिभाषा पढ़ ली, एक भरत मुनि का सूत्र पढ़ लिया अपन ने, क्या पढ़ रहा, तत्तर विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी और संयोग से ही रसों की उत्पत्ति होती है। ये किसने कहा था, भरत मुनि ने कहा था, ठीक है। अब इसकी परिभाषा अपन ने कौन सी पढ़ी थी, काव्य के आस्वादन के समय पाठक दर्शक को प्राप्त होने वाली आनंदात्मक अनुभूति क्या कहलाती है, रस कहलाती है, ठीक है। अब अपन ने क्या बनाया, एक छोटा सा एक अपन ने फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। ये फॉर्मूला देखते हैं, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, ये काव्य में आनंदात्मक अनुभूति को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ये तो आ गई एक परिभाषा किसकी, रस की। अब रस के कितने अंग होते हैं, चार अंग होते हैं। विभाव में क्या होता है, सबसे पहला जो अंग होता है वो कौन सा होता है, विभाव होता है। और विभाव में कौन कौन से अंग होते हैं, एक तो आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है, एक तो आलंबन विभाव होता है और एक उद्दीपन विभाव होता है, दो होते हैं, ठीक है। और अनुभाव जो सेकंड जो चार अंग होते हैं उसमें दूसरा जो अंग होता है वो होता है अनुभाव। और अनुभाव में क्या होता है, कायिक सात्विक वाचिक आहार्य अनुभाव। यानी कितने अनुभाव होते हैं, एक तो कायिक होता है, एक सात्विक होता है, एक वाचिक होता है, एक और आहार्य अनुभाव होता है, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरे नंबर पर है व्यभिचारी संचारी भाव। इसमें कितने होते हैं, 33 भाव होते हैं। कितने भाव होते हैं जी, 33 भाव होते हैं। और स्थाई भाव में जो अंतिम और जो चौथा अंग होता है स्थाई भाव, जिसमें क्या होते हैं, 9 रस और 9 ही स्थाई भाव होते हैं। ये सारा रस से संबंधित एक परिभाषा है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, क्या है ये, काव्य में आनंदात्मक अनुभूति को रस कहते हैं। ये तो इसमें परिभाषा आ गई। अब रस के चार अंग होते हैं, पहला अंग होता है विभाव। विभाव में आलंबन और उद्दीपन दो विभाव होते हैं, ठीक है। अनुभाव में कायिक सात्विक वाचिक आहार्य अनुभाव होता है, ठीक है। और व्यभिचारी संचारी भाव में 33 भाव होते हैं। स्थाई भाव 9 रस और 9 स्थाई भाव होते हैं, ठीक है। ये इतना सा रस का मतलब अपने एक फॉर्मूला बनाया। सबसे पहले ये अपन ने दिया ना विभाव। अब यहाँ पर देखिए विभाव, सबसे पहले देखते हैं विभाव, यानी परिभाषा अपन ने पढ़ी लिया यहाँ पर, और इसके चार अंग होते हैं अपन ने पढ़ी लिया। इसके बाद सबसे पहला जो अंग होता है वो कौन सा होता है, विभाव अंग होता है, और उसके बारे में पढ़ते हैं। विभाव में क्या होता है कि शाब्दिक अर्थ कारण होता है, और रस उत्पत्ति के मूल कारणों को विभाव कहा जाता है। यानी शब्द के अर्थ के कारण है ना, जिस रस की उत्पत्ति होता है, और उस रस की उत्पत्ति का जो मूल कारण होते हैं और उन मूल कारणों को क्या कहा जाता है, विभाव कहा जाता है, ठीक है। इसमें दो प्रकार के विभाव होते हैं, एक तो होता आलंबन विभाव होता है, एक होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं, ये देखिए,
रस उत्पत्ति के सभी सजीव कारणों को आलंबन विभाव कहा जाता है। यानी रस उत्पत्ति के जितने सारे, यानी निर्जीव नहीं सजीव जो कारण होते हैं ना, रस उत्पन्न होने के जो सजीव कारण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायक नायिका सजीव प्राणी है, शेर है सजीव है, चीता है सजीव है, बघेरा है सजीव है, दुराचारी व्यक्ति है वो भी क्या है, सजीव है। अगर मान लीजिए किसी भी रस को अपन पढ़ रहे हैं और उसमें ये सारे शब्द आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उस शब्द में क्या होगा, आलंबन विभाव होगा। ठीक है, ये अपने को याद रखना है कि यानी रस उत्पत्ति के सभी सजीव कारणों को आलंबन विभाव कहा जाता है। अब उद्दीपन किसे कहते हैं, यानी उद्दीपन विभाव में, यानी इसमें तो क्या था, सजीव कारणों को आलंबन विभाव कहते हैं, तो इसमें प्राकृतिक कारणों को देखकर जैसे रस की उत्पत्ति हो तो वो क्या कहलाता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे प्राकृतिक कारण में प्रकृति से संबंधित जितनी सारी चीजें हैं जो निर्जीव के अंतर्गत भी आती हो, मतलब या फिर पेड़ पौधे भी हों, चाहे जो भी हो, प्रकृति से संबंधित हो, नहीं प्राकृतिक कारणों को देखकर। मान लीजिए अपन कहीं पे खड़े हैं और अपने को प्रकृति का अनुभव करके और अपने मन के अंदर उस, या फिर अपन जो कव्य पढ़ रहे हैं उसमें प्रकृति से संबंधित मान लीजिए कि कोई पद है और उसमें प्रकृति का वर्णन किया गया, और उसको उस वर्णन को अपन पढ़ करके और अपने अंदर एक रस की अनुभूति या रस की उत्पत्ति होती है, उससे उस कारणों को क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहा जाता है। किन कारणों से होता है, उद्यान, या मान लीजिए कोई उद्यान है सुंदर सा, उसका दृश्य हो, उपवन का दृश्य हो, नदी का हो, जंगल का हो, हवा का हो, शमशान घाट का हो, यानी इन चीजों को, इन प्राकृतिक कारणों को अगर देख करके मान लीजिए रस की उत्पत्ति हो तो वो क्या कहलाते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अब अपन ने देख लिया पहला जो अंग है वो विभाव अपन ने पढ़ लिया। अब दूसरा अंग रस का कौन सा होता है, अनुभव होता है। अनुभव देखिए क्या होता है, आलंबन विभाव द्वारा, देखिए आलम अनुभव क्या होता है, आलंबन विभाव द्वारा, यानी आलंबन विभाव द्वारा जो चेष्टा की जाती है। देखिए मान लीजिए कि आलंबन विभाव द्वारा, यानी आलंबन जो विभाव होता है, जैसे कि इसमें है ना रस उत्पत्ति के सभी सजीव कारण, यानी जो सजीव कारण होते हैं उनके द्वारा ना आलंबन विभाव द्वारा जो चेष्टा की जाती है, यानी कहने का मतलब इसमें तो क्या होता है, आलंबन विभावों को सिर्फ उनका नाम होना चाहिए, यानी जो जो सजीव सिर्फ प्राणी होने चाहिए उनको देख करके अगर मान लीजिए रस की उत्पत्ति हो तो वो तो आलंबन विभाव होता है। लेकिन इसमें क्या दिया कि आलंबन विभाव द्वारा, यानी आलंबन विभाव के अंतर्गत जो जैसे शेर है, चीता है, या बघेरा है, या नायक नायिका है, जो भी है, उनके द्वारा जो चेष्टा, यानी जो कार्य किया जाता है उस कव्य के अंतर्गत, वो उसके द्वारा रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मुस्कुराना, जैसे कोई नायिका है वो मुस्कुरा रही है, अगर नायिका हो अकेला नाम हो किसी पद में तो होता आलंबन विभाव। अगर मान लीजिए कि नायिका मुस्कुराना, तो ऐसे नायिका को छोड़ दीजिए, ऐसे पूछ ले कि मुस्कुराना में कौन से रस का अनुभव हो रहा है, तो अनुभव रस का हो रहा है ना। ये सारे आंख निकालना, थप्पड़ दिखाना, ये सारे किस में आते हैं, अनुभव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब कायिक अनुभव, ये इसके भी भेद है ना, अनुभव में कौन कौन से है, देखिए अनुभव में कायिक अनुभव होता है, जैसे शरीर द्वारा, जिस शरीर द्वारा जितनी, यानी कायिक यानी काया से संबंधित है, और काया किसको कहते हैं, शरीर को कहते हैं, और शरीर के द्वारा जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, कायिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। जैसे शरीर द्वारा मुस्कुराना है, हंसना है, बोलना है, खेलना है, कूदना है, यानी शरीर के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं वो किस किसके अंतर्गत आती हैं, कायिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। सात्विक अनुभव क्या होते हैं, देखिए सात्विक अनुभव वो होता है जैसे वे चेष्टा जो नए चाहने पर स्वतः उत्पन्न हो जाती है, यानी कोई मनुष्य है उन चेष्ट वो उस को करना नहीं चाहता है उस कार्य को, या अपने आप जो उत्पन्न हो जाती है, यानी जैसे स्तंभ शरीर जड़ होना, यानी कहने का मतलब है कि किसी मान लीजिए कि कोई ऐसा कोई भयानक दृश्य देख लिया कि इंसान क्या हो जाता है, उसको देखने के तुरंत बाद है ना जड़वत हो जाता है, यानी ना हिलता है ना डुलता है, जैसे ना आंख भी क्या नहीं झपकती नहीं है उसकी, ना सांस सांस आती है सिर्फ, और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, तो वो क्या हो जाता है, शरीर जड़वत हो जाता है उसका। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, सात्विक अनुभव होता है, स्वेद यानी पसीना निकलने लगता है, ठीक है, स्वर भंग यानी बोलने में अड़बड़ाने लगता है ना, तो फिर कंपन मतलब उसका शरीर है ना उसमें कंपन उत्पन्न हो जाती है, विवरण यानी उसके चेहरे का जो रंग है वो बदल जाता है अचानक से, जैसे तो सामान्य चेहरा होता है एक मान लीजिए कि कोई ऐसा दृश्य देख ले उससे उसका चेहरे का जो रंग है वो उड़ जाता है ना, अपन बोलते हैं चेहरे का रंग उड़ गया, यानी इसने ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से इसका चेहरे का रंग उड़ गया, यानी चेहरा चेहरा बदल जाता है इस ऐसी स्थिति हो,
तो भी सात्विक अनुभव होता है। अश्रुपात, आंखों से आंसू निकलने की स्थिति में भी क्या होता है, सात्विक अनुभव ही होता है। अब वाचिक अनुभव क्या होता है, देखिए बोलकर प्रकट की जाने वाली जो चेष्टाएं होती है वो सब किस में आती है, वाचिक अनुभव के अंतर्गत आती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी काव्य है वो, और उसके अंतर्गत यानी बोल के प्रकट की जाने वाली, जैसे अपन मुंह से बोल करके अगर मान लीजिए किसी चीज को प्रकट कर रहे हैं, और वो सारी चीजें किसके अंतर्गत, किसी काव्य में हो, तो वो किसके अंतर्गत आती है, वाचिक अनुभव के अंतर्गत आती है। आहारी अनुभव क्या होती है कि किसी वेशभूषा के द्वारा कोई चेष्टा प्रकट की जाए, जैसे है ना मतलब अपने श्री कृष्ण जी के अनेक सारे पद हैं जिसमें है ना अपन देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि श्री कृष्ण जी है ना पीत पीताम्बर है ना, जैसे पीला वस्त्र पहने हुए, हाथ में मुरली लिए हुए है ना, वो वाला जो पद है उसमें क्या आता है कि उसमें वेशभूषा की वजह से क्या ना ऐसी कोई चेष्टा प्रकट की जाए, जिसको अपन क्या कहते हैं, आहार ये अनुभव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 3 नंबर का जो अंग है वो कौन सा आता है, व्यभिचारी संचारी भाव, ये अंग आता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि किसी भी रस की उत्पत्ति के दौरान एक स्थायी भाव, ठीक है अपन ये तो जानते हैं कि कोई भी रस है उसकी उत्पत्ति के दौरान एक स्थायी भाव उत्पन्न होता है ना, साथ ही साथ कुछ ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं जो कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं तथा अपना कार्य करने के तुरंत बाद क्या हो जाते हैं, वो लुप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि कोई मान लीजिए कोई स्थायी भाव है ना, वो अपने सामने उत्पन्न हो रहा है, ठीक है उसके साथ साथ कुछ ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं जो कि कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं लेकिन अपने कार्य करने के पुनः मतलब क्या हो जाते हैं, कुछ देर के बाद है ना वो लुप्त हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 33 बताई गई है। अब देखिए इनमें कौन कौन सा था, व्याधि ये रोग को बोलते हैं ना, यानी मान लीजिए रोग है तो उसके मान लीजिए किसी पद में किसी रोग का वर्णन किया गया होगा ना, तो वहां पर क्या होता है, व्यभिचारी संचारी भाव होता है। विरडा यानी लज्जा, यानी श्रम जहां महसूस हो किसी पद में तो वहां पर क्या होता है, व्यभिचारी संचारी भाव होता है। विबोध यानी ज्ञान है, ज्ञान मतलब किसी के जैसे ज्ञान के चक्षु खुल गए है ना, यानी ज्ञान रूपी नेत्र है ना उनमें ज्ञान का संचार हो गया, तो ऐसा कुछ मान लीजिए किसी पद में हो तो व्यभिचारी संचारी भाव होता है। वितर्क विषाद यानी दुख की स्थिति हो, उग्रता यानी जल्दबाजी हो, यानी ये सारे जो कुछ स्थायी भाव होते हैं उनके साथ उत्पन्न होते हैं लेकिन ये कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और अपने आप ही क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे उत्सुकता है, उन्माद है, असूया यानी जलना है ना, अमरसा यानी क्रोध, क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो जहाँ पर, अविहल्या है, अपस्मार है ना, ठीक है अपस्मार किसको कहते हैं, उल्टी की स्थिति होती है, जैसे मद है, मत्ती है, मोह है, मरण है, गर्व है, ग्लानि, चपलता, चिंता, शंका, श्रम, स्वप्न, स्मृति, आलस्य, आवेग यानी चिंता, निद्रा, निर्वेद यानी धिक्कारना, यानी कि अब मान लीजिए अपन किसी को धिक्कार रहे हैं ना, जड़ता, त्रास, दीन यानी दीनता, यानी गरीबी भी किसके अंतर्गत आती है, ये गरीबी कुछ समय के लिए उत्पन्न होती है और अपने आप गायब होती है। धरती यानी धृति यानी धैर्य, यानी अब मान लीजिए कोई मनुष्य है वो कुछ धैर्य धारण करने वाला मनुष्य हो तो वो जो शब्द है वो किसके साथ, स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होता है लेकिन कुछ समय के लिए होता है और फिर स्वतः ही क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। हर्ष प्रसन्नता यानी मान लीजिए अपन क्या करते हैं, ये तो है नहीं कि मान लीजिए अपने सामने कोई ऐसी कोई पद हो जिसमें अपन क्या हंसी हंस रहे हैं ना, प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई, प्रसन्नता एक ऐसी चीज होती है कि कुछ समय के लिए ये ऐसा भाव होता है कुछ समय के लिए इंसान के चेहरे पर दिखाई देता है लेकिन ये स्वतः ही धीरे धीरे क्या हो जाता है, अपने आप गायब हो जाता है ना। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं कि स्थायी भावों के साथ उत्पन्न होने वाले कुछ ऐसे भाव जो कि कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और अपने आप ही गायब हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, व्यभिचारी संसारी भाव कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है ये याद रखना है, 33 संख्या मानी गई है। और इनको अपन थोड़ा सा क्या एक दो बार पढ़ेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा अपने को याद हो जाएंगे, ठीक है। अब अंतिम और चौथा जो भाव होता है वो होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं, जैसे प्रत्येक रस की उत्पत्ति के दौरान प्रारंभ से लेकर अंत तक रहने वाले भाव क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। ये अपने को याद रखने हैं और ये ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अपन क्या कहते हैं, प्रत्येक रस की उत्पत्ति के दौरान प्रारंभ से लेकर, यानी जो रस होता है उसकी उत्पत्ति के दौरान प्रारंभ से लेकर अंत तक रहने वाले भाव क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। अब ये कितने होते हैं, रस कितने होते हैं, अपने को पता है 9 होते हैं, और उन 9 रसों के कितने भाव होते हैं, और 9 ही स्थायी भाव होते हैं, ठीक है। अब स्थायी भाव और 9 रस अपने को याद रखनी है, और ये अधिकतर या क्या अधिकतर क्या बहुत सी परीक्षाओं में इनमें से ही प्रश्न पूछा जाता है, याद रखने वाली चीज यही है। देखो स्थायी भाव, रत्ती स्थायी भाव किसका होता है, श्रृंगार।